नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। मैं श्रीकांत चौहान आप सभी का ट्रेड टॉक के पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। और कल के दिन में हमने वापस एक बार यूएस मार्केट में एक सब्सटेंशियल रिकवरी देखी। इनफैक्ट यूएस मार्केट्स और डेज हाई की तरफ क्लोज हुए। लगभग 400 पॉइंट्स की तेज़ी हमने डाउ जोन्स में देखी और उसकी मुख्य वजह यही थी कि वापस वहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं उनमें कुछ बदलाव देखने मिला। अगर हम इस पर्टिकुलर मार्केट को काफ़ी अगर क्लोजली वॉच करते हैं तो एक बात समझ में आती है कि जैसे ही रिजल्ट सीजन ख़त्म हुआ है मार्केट्स ने वापस ग्लोबल मार्केट्स को फॉलो करने की शुरुआत कर दी है। और इसी वजह से जैसे ग्लोबल मार्केट्स में टर्न्स आ रहे हैं उसी बेसिस पे हमारे मार्केट्स में भी अप एंड डाउन की एक्टिविटी देख रहे हैं। कल के दिन में हमने एक गैप डाउन ओपनिंग देखी थी और उसकी मुख्य वजह यही थी कि यूएस मार्केट्स वीक थे, मैक्रो फैक्टर्स में बड़ा एक चेंज हुआ था और उसी वजह से हमने लोअर ओपनिंग देखी। लेकिन 17,400-17,500 लेवल्स के करीब जहाँ पे मार्केट के लिए एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है वहाँ से हमने वापस एक बार मार्केट को स्टेबलाइज होते हुए देखा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि हमने उस वक्त यूएस स्टॉक फ्यूचर्स में एक रिकवरी का ट्रेंड देखा और इसी वजह से मार्केट्स में एक स्टेबिलिटी आई। और इवेंचुअली जैसे ही यूएस स्टॉक फ्यूचर्स ग्रीन हुए यानी कि पॉजिटिव हुए वैसे ही हमने अपने मार्केट्स को 17,600 के लेवल्स को क्रॉस होते हुए देखा। तो जब तक हमें लगता है कि ये फेड मीटिंग के आउटकम नहीं आते तब तक हमारे मार्केट्स यूएस मार्केट्स को डायरेक्टली फॉलो करेंगे। और आज के दिन में एक हायर ओपनिंग के बाद हमें देखना है कि एटलीस्ट मार्केट की क्लोजिंग 17,730 के ऊपर की बनी रहे। अगर मार्केट ड्यूरिंग द डे 17,800 के लेवल्स को अगर क्रॉस करता है तो बहुत हाई चांसेस है कि इस मार्केट ने एक बड़े सेलिंग प्रेशर को एब्जॉर्ब किया है और मार्केट एक बार 17,900 से लेकर 17,950 के लेवल्स को बिल्कुल छू सकता है। तो 17,730 की क्लोजिंग इज़ मैंडेटरी, या तो एटलीस्ट हमें एक ब्रेकआउट देखना ज़रूरी है। अदरवाइज हम वापस एक बार जो एक ब्रॉडर ट्रेडिंग रेंज बनी है उसके लोअर लेवल्स यानी कि 17,400 के करीब आने वाले दिनों में गिर सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी 39,400 के लेवल्स इंपॉर्टेंट थे, उन्हीं लेवल्स के ऊपर कल की क्लोजिंग हुई है और वापस एक बार यहाँ पे भी हमें 39,700 से लेकर 39,950 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो एक रेंज बाउंड मार्केट का मोमेंटम बना हुआ है और जब तक मार्केट 17,800 के लेवल्स को क्रॉस ना करे तब तक हमें लगता है कि इस मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आप सभी से आज के लिए विदा लेता हूँ और आप सभी के लिए आज का दिन मंगलमय रहे। धन्यवाद।